गोकुलपुरा चोटवाड़ा जयपुर सरकारी स्कूल है। 15 अगस्त 2024 को भयंकर बारिश होने के कारण इस स्कूल के अंदर पानी भर गया। ये स्कूल बहुत बड़ा है, इसका मैदान इतना बड़ा है कि यहाँ पे लोग संडे को क्रिकेट खेलने आते हैं। ये देखिए, ये स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग के सामने मैदान है, मैदान के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। और ये जो स्कूल का जो स्टाफ है, बच्चे हैं, ये स्कूल के पीछे जो डंडा है ना, उसको कूद के ये लोग स्कूल के अंदर आते हैं, क्योंकि जो सामने है, सामने जो मेन गेट है, वहाँ पे तो 4 से लेके 5 फीट तक का पानी भरा हुआ है, तो स्कूल के अंदर आ नहीं सकते। तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट भजन लाल सरकार से यही निवेदन है कि इस स्कूल को ऐसा बनाया जाए ताकि भविष्य के अंदर ऐसे स्कूल के अंदर पानी ना भर सके। अभी यहाँ पे पानी भरने की वजह से कई बार तो बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है। ये देखो, तेजाजी मंदिर है गोकुलपुरा जोटवाड़ा जयपुर के अंदर। अब इस स्कूल के अंदर बहुत सारे कॉम्पटिशन एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो जितने भी भाई बंधु हैं देख लीजिएगा, गोकुलपुरा जोटवाड़ा के अंदर सरकारी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का है, जहाँ पे सामने मेन रोड पे पानी भरा हुआ है और ये मेन गेट है। मेन गेट देख लीजिए आप, ये 15 अगस्त 2024 को जब हम भारत 78वां गणतंत्र दिवस मना रहे थे, उस वक्त शाम को अचानक जयपुर के अंदर तेज़ बारिश हुई। तेज़ बारिश की वजह से सिक्कर रोड, अजमेर रोड और परकोटे के अंदर भयंकर पानी भर गया, क्योंकि जयपुर के अंदर पानी का निकास तो है ही नहीं। ये देखिए साहब, इस स्कूल के अंदर अभी बाहर भी तो पैम्पलेट्स लगे हुए हैं जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, कंपटीशन एग्ज़ाम्स, उनके भी सेंटर्स यहाँ पे पढ़ने लगे हैं स्कूल के अंदर। ये मेन गेट है गोकुलपुरा जोटवाड़ा जयपुर का। अब आप देख सकते हो कितना पानी भरा हुआ है, सामने देखो गाड़ियाँ आधी डूब जाती हैं, क्योंकि तलाई है यहाँ पे। जितना भी रावण गेट है, कनकपुरा, चेन्नी फाटक, सबका पानी इस तलाई के अंदर आता है, क्योंकि ये निचान में है। यहाँ पे गांव है ये गोकुलपुरा।